आप सभी का स्वागत है चैनल में जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। तो आपने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है WWE अनडिफिटेड के गेम प्ले सीरीज को। नौवा एपिसोड आ चुका है, क्या कर रहे हो, नहीं देखे तो देख लो जल्दी से जाके। अभी थोड़ा ब्रेक ले चुके हैं उस गेम प्ले सीरीज से क्योंकि नया कंटेंट उसमें फिलहाल तो नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर्स आते ही आपको वीडियोस जरूर प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन काफी सारे वीडियो में, यानी उस सीरीज के वीडियो में ज्यादा जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि यार WWE अनडिफिटेड के हर मैचेस को कैसे जीते और जो भी सुपरस्टार है उसको जल्दी से जल्दी कलेक्ट कैसे करें। समझ रहे हो आप? तुसी का क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। पूरा 5 टिप्स आपको बताऊंगा कि कैसे हर मैच को ज्यादा से ज्यादा विन आप कर सकते हो इस गेम को खेलते हुए। लेकिन मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीत पाओगे। तो हर गेम में प्रो बनने के लिए यार उस गेम को लगातार हमें खेलना पड़ता है। मत करो, रन लो। तो मेरा खुद का जो ओपिनियन है, मेरे खुद के जो टिप्स आपको बताने वाला हूँ इस गेम से मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है। तो वीडियो कहीं भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इस तरह का और इंटरेस्टिंग गेमिंग टिप्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नीचे रेड कलर का बटन है। तो चलो यार ज्यादा बात नहीं करेंगे, सबसे पहले टिप्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला प्रो टिप्स है जो आपको सारे मैचेस जिताने में हेल्प करेगा WWE अनडिफिटेड के गेम में, वो आपका डिवाइस ही है। जी हाँ, आपके हाथ में ही सारा टिप्स है। जब आप डिसेंट डिवाइस यूज करते हैं तो इस गेम को आप आसानी से खेल सकते हो। जब आप थोड़ा हाई रेंज वाला डिवाइस यूज करते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन जब आप गेम को खेलते हैं आपको लगता है यार गेम लैग हो रहा है, बार बार क्रैश हो रहा है एप्लीकेशन, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इस गेम को ना ही खेले तो बेटर होगा, क्योंकि जब आपका डिवाइस लैग होता है, गेम बार बार क्रैश होता है, मैच के बीच में ही आपको मैच से निकाल दिया जाता है, आपका नेटवर्क भी काफी मायने रखता है इस गेम को खेलते हुए, क्योंकि एक मल्टीप्लेयर गेम है। सो डिसेंट डिवाइसों के लिए बहुत ही अच्छा है, आप गेम को सीख भी पाओगे और अच्छी तरह से मैचेस को जीत भी पाओगे। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टिप्स है, सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूं, मजा आया। दूसरा जो टिप है, आपके जो फेवरेट सुपरस्टार है, हालांकि रियल में अलग सुपरस्टार होंगे लेकिन इस गेम में सब सुपरस्टार का अलग अलग एबिलिटीज है, स्किल है, जो आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हो। तो अपना फेवरेट सुपरस्टार बना के रखिए इस गेम के लिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए लेजेंडरी या फिर एपिक सुपरस्टार ही आपका फेवरेट बने, क्योंकि उनको जब आप यूज करेंगे मैचेस में वो डैमेज देने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हम जो यूज करते हैं रोमन रेंस का डैमेज जो है बहुत ही ज्यादा है। जब आप एक दो हिट करते हैं ओपोनेंट के सुपरस्टार को, खत्म, एक राउंड आसानी से आप जीत सकते हो। लेकिन ये मत सोचना कि आप हर मैच जीत पाओगे लेजेंडरी या फिर एपिक सुपरस्टार को लेके। अगला जो टिप्स है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 टिप्स इसी के अंदर आ जाता है, तो ध्यान से सुनना। आप अपग्रेड कर सकते हो इस गेम में हर सुपरस्टार को, हर सुपरस्टार के मूव्स को, डिफरेंट कार्ड से। इसमें 3 कैटेगरी के कार्ड फिलहाल आपको देखने को मिल जाएगा इन गेम। सबसे पहला है काउंटर, जिसमें आप आसानी से ओपोनेंट के जो सुपरस्टार के मूव्स को काउंटर अटैक कर सकते हो, लेकिन वाइजली आपको यूज करना है, यानी ध्यान से यूज करना। उसके बाद जो आता है ग्रैपल, यानी ओपोनेंट के सुपरस्टार को ग्रैप करके अच्छा खासा डैमेज देना, और देन आता है स्ट्राइक कार्ड्स। जी हाँ, इसमें आप बेसिकली जो मुक्केबाजी करते हैं अच्छा खासा डैमेज इसमें भी आप दे सकते हैं। तो इन सब मूव को आपको समझना है कौन सा आपके लिए बेस्ट है, और फेवरेट जो आपका सुपरस्टार होगा उसमें आपको सेट कर लेना है। आपको रिकमेंड करूंगा जो कम एनर्जी वाला कार्ड्स है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना। हालांकि जब कम एनर्जी वाला आप यूज करेंगे उसमें डैमेज तो बहुत ही कम होगा, लेकिन फिर भी यार यूज करो क्योंकि एनर्जी काफी मायने रखता है इस गेम में। अबे साले, तो इसी के अंदर 3-4 टिप्स आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट टिप्स के तरफ चलते हैं, जो है इस गेम को बार बार खेलना। जब आप बार बार खेलोगे, आप गेम को समझोगे, जानोगे कि ओपोनेंट प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, तो उसी हिसाब से अपना खुद का टैक्टिक्स बना सकते हो। और जो बॉक्सेस है इस गेम में वो भी काफी मायने रखता है। इनमें 4-5 कैटेगरीज के बॉक्सेस आते हैं जो आपको ओपन करते रहना है हर दिन गेम को खेलते हुए। उसके बाद अपडेट भी आएंगे इन फ्यूचर, अच्छा खासा रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेगा। उन बॉक्सेस को आप ओपन करके अपने सुपरस्टार या फिर सुपरस्टार के जो कार्ड्स वगैरह है उसको आप आसानी से अपग्रेड भी कर सकते हो। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने सुपरस्टार या फिर कार्ड्स वगैरह को अपग्रेड करते हो तो बॉक्सेस को ओपन करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार इन गेम मैचेस कैसे जीतना है हमें, हमें तो पता है यार अपग्रेड कर सकते हैं, डिसेंट सा डिवाइस होना चाहिए, मूव सेट कर चुके हैं, लेकिन मैचेस को कैसे जीते हैं वही हमें सीखना है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, आपको बार बार खेल के समझना पड़ेगा गेम को, दूसरे ओपोनेंट को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एक मल्टीप्लेयर गेम है। जब तक आप गेम को हैक नहीं करते तब तक आप आसानी से हर मैच को जीत नहीं पाओगे। कुछ भी। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है, और जो आप गेम प्ले देख रहे हैं हमारा गेम प्ले है, 3-4 मैचेस हारने के बाद फिर जाके हम एक मैच जीते थे।
तो बेसिकली आपको फोकस करना है कि ओपोनेंट कौन कौन से कार्ड यूज कर रहे हैं, कौन कौन से कार्ड वो इस मैच में लेके आए हैं यानी यूज करने वाले हैं, तो उसको आपको वाइजली समझना है यानी ध्यान से समझना है, देखना है हर मूव। और जो भी सुपरस्टार लेके आप मैचेस खेलते हो, ओपोनेंट का जो सुपरस्टार है उसको कंफ्यूज करते रहो, क्योंकि आपको पता है इसमें एनर्जी का सिस्टम है, लगातार जब मूव्स यूज करते हो एनर्जी ड्रेन होता है, उसके बाद आपको अच्छा खासा मौका मिल जाता है अपने मूव्स को ट्राई करने के लिए। तो आगे पीछे करते रहो ताकि ओपोनेंट का जो सुपरस्टार है यानी ओपोनेंट जो प्लेयर है वो कंफ्यूज होता रहे और बार बार जो अपना मूव्स है वो जल्दी से जल्दी यूज करे, उसका जो एनर्जी है ड्रेन हो जाए, उसके बाद आप उसके क्लोज जाओ, आसानी से फाइट करो, कोई भी मूव्स यूज करो। और जैसे कि आपको बताया था, आपका जो कार्ड है बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कार्ड आप यूज कर ताकि ओपोनेंट का जो प्लेयर्स है वो कंफ्यूज हो सके, वो भी सोच सके कि यार ये क्या कर रहा है, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। तो इस तरह से 5 टिप्स आपको फॉलो करना है WWE अनडिफिटेड को खेलने के लिए। उम्मीद करता हूं ये 5 टिप्स को जानने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प हुआ होगा कि कैसे इस गेम को खेलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए प्रो बनने के लिए। लेकिन बात वहीं अटक जाता है कि हर गेम में प्रो बनना हमारे लिए उतना ज्यादा आसान नहीं होता है, हमें उस गेम को बार बार खेलना पड़ता है। तो इस गेम को भी आपको बार बार खेलना पड़ेगा इस गेम में अच्छा होने के लिए। फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस था आपके साथ शेयर कर चुका हूं, आपको और ज्यादा टिप्स पता है तो हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हो, कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ही का कॉमेंट बॉक्स है, जल्दी से जल्दी कॉमेंट करो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आने वाले वीडियोस देखना चाहते हो हमारे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।